तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब, रणबीर कपूर जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी एनिमल दे रखी है रणबीर कपूर की, भाई इतने में ही ये बंदा शांत नहीं बैठेगा, क्योंकि आने वाले इससे जो प्रोजेक्ट हैं वो इससे कहीं गुना बड़े प्रोजेक्ट हैं, जो बाइक और 1000 करोड़ का पोटेंशियल रखते हैं और ये फाड़ के जाने वाला है। तो एनिमल के साथ और भी जबरदस्त फिल्में हैं, जिसमें से ब्रह्मास्त्र 2 का बारे में हमें पहले ही रिवील आउट कर दिया गया है, जिसमें रणबीर कपूर और भी ज़्यादा धमाका करने वाले हैं, जिसमें देव का कैरेक्टर रणबीर सिंह करते नजर आ रहे हैं। एंड ये फुल ट्रेंड चल रहा है, लोगों की मांग है कि भाई साहब देव के कैरेक्टर में रणबीर सिंह ही हमें देखने को मिले। दूसरा, कहीं ना कहीं ये भी मांग चल रही है कि भाई साहब हमें देव के कैरेक्टर में शायद यस रॉकिंग स्टार यस भी देखने को मिल जाए, और देव वो कैरेक्टर है जो ब्रह्मास्त्र के लास्ट में पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया गया था, एक उनकी छोटी सी झलकी, जो हो सकता है भाई रणवीर सिंह ही हो, या हो सकता है रणवीर कपूर भी हो सकता है। तो भाई ये मूवी अब बिल्कुल फाड़ने वाली है और दम रखती है 1000 करोड़ का। तीसरा है एनिमल पार्क और एनिमल का पार्ट 2। भाई जो पोस्ट क्रेडिट सीन, मतलब एनिमल में रणवीर कपूर वर्सेस रणवीर कपूर होने वाला है। यहाँ अभी हमें बॉबी देओल देखने को मिले थे, लेकिन उनका वो खलास कर चुके हैं। अभी हमें जो न्यू रणवीर कपूर देखने को मिला है, वो भाई अपने हीरो से भी ज़्यादा ब्रूटल एंड वायलेंट है, जो खड़े खड़े दो बंदों को काट देता है, और वो भी गंदी तरीके से, मतलब बुचर, एक हिसाब से बुचर कह सकते हैं हम उसको, निर्दयी बुचर। तो भाई वो मूवी भी बिल्कुल 1000 करोड़ फाड़ने का पोटेंशियल लगती है। तीसरा, हमें किशोर कुमार की लाइफ में बायोपिक मिलने वाली है, जो आई थिंक राजकुमार हिरानी के डायरेक्शन में शायद बनी जाए, जो फुल कॉमेडी ड्रामा पर बेस होगी और मजेदार है, क्योंकि किशोर कुमार ऐसे लेजेंडरी एक्टर हैं जो एक वर्सिटाइल एक्टर थे, क्या कॉमेडी में ले लो आप उनकी आवाज़, सॉन्ग्स में तो सुन ही सकते हो, गाने उनके जो फेमस हैं। तो भाई वो मूवी भी बहुत दमदार पोटेंशियल लगती। तीसरा भाई, चौथा रामायण। रामायण में यार इस मूवी के लिए बहुत ज़्यादा वेट लोग कर रहे हैं, क्योंकि लोग एक तरफ इस चीज़ के लिए बैठे हैं कि भाई साहब आदि पुरुष जैसा बेकार चूतिया ना काट दे जनता का, लेकिन रामायण के लिए रणबीर कपूर एज राम, भाई लॉर्ड राम, ये बंदा जम रहा है। और वहाँ पर हमें रॉकिंग स्टार यस एज रावण देखने को मिलने वाला है, मतलब लंकापति रावण, जो लंकेश का कैरेक्टर शायद उसमें निभाएंगे। और एंड सीता के कैरेक्टर में भाई लोगों की भारी भरकम डिमांड पर साई पल्लवी को एज सीता लिया जा रहा है, जो बिल्कुल इस मूवी को पूरा करते हैं। और भाई रणबीर कपूर की एक्टिंग तो हम एनिमल में देख ही चुके, भाई इससे जबरदस्त वर्सिटाइल एक्टर नहीं हो सकता। और रामायण में जो फाड़ के जाएगा भाई 1000 करोड़ कहाँ जाएंगे, कहाँ आएंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। सेकेंड एंड लास्ट एंड फिफ्थ अंदाज अपना अपना पार्ट 2 का शायद अनाउंसमेंट, अभी अगर ये इस मूवी का अनाउंसमेंट हो जाएगा, लेकिन इस पर बात चल रही है, कहीं ना कहीं से ये निकल रहा है, लेकिन इस पर अगर ये अनाउंसमेंट हो जाता है तो भाई मज़ा बहुत आने वाला है इस मूवी, क्योंकि रणबीर कपूर एंड रणवीर सिंह इन दोनों सुपरस्टार को कास्ट करने की बात इसमें उठाई जा रही है, जिसमें सेकेंड लीड रोल में आलिया भट्ट एंड दीपिका पादुकोण को लिया जाने की बात भी चलाई जा रही है। तो भाई साहब ये मूवी कम रियल लाइफ एडवेंचर ज़्यादा लगने वाली है, क्योंकि दोनों ही अपने अपने पार्टनर के साथ आने वाले हैं इस मूवी में, और अंदाज अपना अपना जैसा फीडबैक छोड़ के गई है, जैसा मूवी वो धमाल करके गई है 90s में आमिर खान एंड सलमान खान की उस जोड़ी ने, हो सकता है रणबीर कपूर और रणवीर सिंह की ये जोड़ी भी धमाल मचाते नजर आएगी। और भाई साहब डेफिनेटली ये नजर आएगी, क्योंकि रणबीर कपूर का पोटेंशियल हम जानते हैं, भाई आप इसे कॉमेडी में ले लो, एक्शन वॉयलेंट में ले लो, आप जो एनिमल में चल रहा है भाई, इससे ज़्यादा ब्रूटल वॉयलेंट एक्टर अभी तक नहीं देखा शायद बॉलीवुड में रणबीर कपूर। दूसरा, अगर रणबीर सिंह को वॉयलेंट में ले लो, तो आप अलाउद्दीन खिलजी का जो कैरेक्टर उसने किया था पद्मावत में, वो फाड़ था, एंड कॉमेडी के कैरेक्टर में आप देख सकते हैं वो भी फाड़ है। तो भाई साहब ये दोनों जब एक्टर्स स्क्रीन पर उतरेंगे तो भाई मूवी को 4 चांद लगा देंगे। तो ये थी पूरी 5 फिल्में जो पाइक और 1000 करोड़ का टच के रखने का पोटेंशियल लगती है। तो 5 फिल्में 5000 करोड़ कहना कोई तो राय नहीं है। आपको क्या लगता है कि ये मूवी, ये जो कास्टिंग करी जा रही है, रणबीर कपूर के आने वाले प्रोजेक्ट, ये 1000 करोड़ ठोक के मारेंगे नहीं मारेंगे, और क्या एनिमल 1000 करोड़ ठोक के जाएगी नहीं जाएगी, जो भी आपकी राय है नीचे कमेंट से जो बता के ना मिलते हैं वीडियो में।